अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है और रिसोर्सेज में बहुत ही रिच सूबा है, वहाँ से सिग्नल्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे। बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर जनाब कुद्दूस बिजनजो साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल जो हैं वो अच्छे चीफ मिनिस्टर नहीं है, और बावजूद इसके कि उनके पास विज़न मौजूद है और जो है वो पर्सनली अच्छे अच्छे आदमी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कैपेबल नहीं है। हमने एक टीम के तौर पर आगे चल के हमने बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए हमने कहा कि हम इकट्ठे होंगे और बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए हमने काम करना है। आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। हमने अल्लाह को भी जवाब देने हैं। जाम साहब पर्सनली बुरे बंदे नहीं हैं, जाम साहब विजन उसकी है, लेकिन एक अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित नहीं हो सके। वो कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के काबिल नहीं रहे और न उसने चीज़ों को बेहतर कर सका। तो हम सिर्फ ओहदे लेके बैठने और प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे नहीं, अवाम ने यहाँ पे हमें भेजा है अपने मसाइल हल करने के लिए। जहाँ मैं पता नहीं गलत हूँ या सही हूँ, जो ग्राउंड की हकीकत मुझे ऐसे लग रहा है और लोगों को मैं देख रहा हूँ, लोग इसको नुमाइंदा पार्टी नहीं समझ रहे हैं और इस पार्टी को सिर्फ एक बंदे की वजह से हम ख़राब नहीं करेंगे, इस पार्टी को मजबूत करेंगे। बलूचिस्तान में क्या इशू है और ये सिग्नल जो हैं वो अचानक ख़राब क्यों हो गए हैं, और साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आइंदा हफ़्तों में, आइंदा महीनों में बलूचिस्तान के अंदर कुछ चेंज होने जा रहा है। बशीर बलोच साहब और मैं कोशिश करेंगे कि आज बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो नज़र दौड़ाएँ। बशीर, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अचानक कुद्दूस साहब को कुछ हो गया है या इससे पहले पर्दे के पीछे कुछ हो रहा था? जी बहुत शुक्रिया जनाब मंजूर शेख साहब। ये अचानक नहीं है, बल्कि ये गुज़श्ता कई महीनों से इस हवाले से मामलात चल रहे थे और उस मामलात की जो पुख्तगी हमें नज़र आ रही है वो इस वीडियो बयान के बाद जो गुज़श्ता रोज सामने आया है कुद्दूस बिजनजो का, जो कि स्पीकर भी हैं, उनका मकाम गवर्नर भी हैं, गुज़श्ता साबिक वजीर आला रह चुके हैं, और इसमें अब जो सूरत हाल होकर के सामने आई है, शिकायत और शिकवे तो पहले भी होते रहे इनके वजीर आला से, मुख्तलिफ इनके जो इतिहादी हैं उनके दरमियान, लेकिन अब उनकी पार्टी से और हैम पोस्ट में बैठकर अगर ये इस तरह के बयान आने लगे हैं, और ये भी सुनीद है कि और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आइंदा चंद आने वाले दिनों में इंतहाई अहम पेशरफ्त होने जा रही है बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से, और वहाँ पर शायद कुछ उनके वज़रा भी मुस्तफ़ी हो जाएं हुकूमत से, तो ये यकायक बात सामने नहीं आई, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे शिकवे और शिकायतें थीं जिसने ये सूरत हाल को अब वाज़े तौर पर सामने ला चुकी। अच्छा बशीर, कुद्दूस बिजनजो जब इस तरह आते हैं और क्लियर कट कहते हैं कि जाम कमाल जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में लायक नहीं है, पर्सनली अच्छे हैं, उनका विजन है, वॉट एवर जो भी कुछ कहना है, कुद्दूस बिजन जो एक बड़े अरसे से बलूचिस्तान में एक बड़े प्लेयर रहे हैं, वो जब ओपन सामने आ गए तो इसका मतलब है कि आपकी बात जो है वो उसमें दायरे बदल लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त इस टाइप की सिचुएशन है कि बलूचिस्तान में कुछ इस टाइप की तब्दीली लाई जाए, क्योंकि बलूचिस्तान तो सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस के हाथ में नहीं है, आपको भी पता है। जी बिल्कुल, देखें अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको याद हो तो चंद महीने पहले कुछ इस तरह के मामला उभर कर सामने आए थे और उनमें भी लीडिंग पोजीशन में कुद्दूस बिजनजो ही थे, लेकिन बीच में जो पाकिस्तान के और बिलखसूस बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो उन कुवतों ने इंटरवीन करके मामला को संभाला दिया और
कुद्दूस बिजन जो स्क्रीन से कुछ वक्त के लिए गायब रहे, लेकिन एक मरतबा फिर वो जब उभर के सामने है और बलूचिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिकल अलाइनमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बजात खुद रूटेड नहीं है, अवामी मुंतखब ये पार्टियां नहीं होती, बल्कि ये वक्त के मुताबिक तश्कील पाती हैं, जिन जिन लोगों के पास वोट बैंक है और जो जीत कर सामने आते हैं और जिनके पास समाजी एक हैसियत होती है, उन लोगों की एक कंपोजिशन बनाकर नई पार्टियां वजूद में लाई जाती हैं। तो ये मौजूदा सूरत हाल को भी आप उसी तनाजुर में देखें, अगर वहां पर तब्दीली आने की बात है तो वो तब्दीली लाना बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा आसान होता है। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मुझे बताएं कि हम लेट्स सपोज जरा देखते हैं कि जाम कमाल साहब की मेरिट और डीमेरिट की लिस्ट क्या है। जाम कमाल जो है वो अनपॉपुलर क्यों हुए हैं? पॉपुलरिटी की मैं एक ट्रेडिशनल जो वो डेफिनेशन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जाम कमाल को जो सपोर्ट चाहिए थी बैकग्राउंड में पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान में चाहिए होती वो तो थी, और जो जो सेंटर है वो कुद्दूस का भी वही है, जाम कमाल का भी वही है। वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है जिसकी वजह से जाम कमाल के सामने कुद्दूस बिजन जो खड़े हो गए? देखें, यहाँ पर जो मैंने अपने इब्तदाई बातों में ये बात कही थी कि बहुत सारे इनके अलाइज जो कि एमपीएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के रुकन हैं, वो इनके रवैयों से, क्यों उनका कहना है कि बहुत वक्त वो बीत गया, अब 15 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस हुकूमत की फॉर्मेशन को, तो उस तरह जिस तरह से उनको उनकी अहमियत के मुताबिक डील करनी चाहिए वजीर आला को, उस अंदाज में वो डील नहीं कर पा रहे, नंबर वन। नंबर दो, वो उनकी शिकायत ये भी रही है कि जो बजट है तरक्याती बजट में उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जो जो ये बात जो है गुज़िश्ता दिनों जो एक खबर सामने आई थी कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से वापस किए गए फंड हैं वो बलूचिस्तान से हैं, अगर बलूचिस्तान की हुकूमत फंड को यूटिलाइज करने में नाकाम रहती है तो उनके जो एलाइज हैं वो शिकवा करने में हक बजाने देखते हैं कि जब वो उनके यहाँ तरक्याती काम नहीं होते और लोगों के पास वो जा नहीं सकते, और यही बात जो है कुद्दूस बिजन जो अपने इस बयान में कहते नजर आते हैं कि वो बताते खुद अच्छे इंसान हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, एक बेहतर वजीर आला की शिक्ल में सामने नहीं आए। लेकिन 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 जब बशीर डिलीवरी की बात है तो जाहिर है कि एक तो खबर जिसका हवाला आपने दिया कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा जो एक पैसा है वो वफाकी हुकूमत को दिया गया है, प्रोविंसेस ने दिया अपने हिस्सों से, इसलिए कि आईएमएफ के जो शरायत हैं वो आपको जो है वो उनको मीट करना है, और ये शरायत के हवाले से जाहिर है कि जो इस टाइप के डिसीजंस होते हैं वो उनको चीफ मिनिस्टर्स किसी न किसी तरीके से अप्रूवल भी देते हैं। लेकिन कुद्दूस को भी पता है कि दूसरे सूबों में भी और बलूचिस्तान में कैश का बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डेवलपमेंट रुकी हुई है, तो क्या डेवलपमेंट फंड्स न देना ही चीज़ है या उसके अलावा और भी कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है? कोई भी मामले को लेकर एंड तक जाने के लिए कोई एक ऐसा इशू होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर तब्दीली आ सके, तो इस वक्त जो बाजार सबसे ज्यादा हमें पोजीशन लग रही है वो तो यही है कि नाला है इनसे एमपीएस और इनके एलाइज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हुकूमती अराकीन। अच्छा। लेकिन पर्दे के पीछे जो अगर आप इस पूरे सिनेरियो को पाकिस्तान की सियासत से जोड़ेंगे तो जहां से डोरी खुलना चाहिए वो बलूचिस्तान है, सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन हुकूमत साजी के हवाले से वो बलूचिस्तान में है, और यही सूरत हाल लेके मुझे जो सामने बात नजर आ रही है कि शायद ये बात न सिर्फ बलूचिस्तान तक ही महदूद रहे, और ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आइंदा चंद दिनों में जिस तरह मैंने कहा कि अहम वजारतों से इस्तीफे की बात आ रही है जिसमें मोहम्मद साले भूतानी के नाम भी सामने आ रहा है कि वो मुस्तफ़ी हो जाए, अगर वो मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत गिर जाती है, अगर बलूचिस्तान की हुकूमत ये इन हाउस उसमें तब्दीली आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो पार्टी बनाई गई थी 2018 के इलेक्शन में जिसे बीएपी या बाप के नाम से जाना जाता है तो वो उसके शिराजे बिखरने शुरू हो जाएंगे, और वो जब शिराजे इसके बिखरेंगे तो इसका मतलब है कि इसके लामाला असरात जो है वो वफाकी हुकूमत पर पड़ ही जाएंगे, जब ये पार्टी नहीं रहेगी तो पार्टी अपने इताद को किस तरह वफाक के साथ कायम रख सकेगी।
इसका मतलब हालत ये है है, कि हाल इसका होने वाली मतलब है बात नहीं है। कि इसका बड़े पैमाने पर खतरा मौजूद है कि जो बाप जो प्रोजेक्ट है वो फेल होने जा रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान में जो मजबूरी तौर पे जो हमें हमें सिचुएशन है जो हमें सामने नज़र आ रही है वो उसमें काफ़ी खामोशी भी है, और उसमें ज़ाहिर है कि कुदूस भिजिंजों का इस तरह सामने आना बहुत सारे जो है वो मसाइल, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं उसकी तरफ इशारा कर रहा है। बशीर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, बलूचिस्तान में ये है, फौरी तौर पे आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान के अंदर शायद तब्दीली आ रही है, और तब्दीली किस टाइप की आ रही है वो कमिंग डेज और वीक्स में और ज़्यादा आपके सामने क्लियर कट अंदाज में नज़र आएगी। अल्लाह हाफिज़।